السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نترجم کریں فلما صرت دقيقا اخذني الخباز ووضعني في معجنة وغمرني بالماء النقي وغمزني حتى صرت عجينا فصنع مني كرة هنالك جاءت المصيبة فقد دحاني على حديد محمد تسمونه الطابقة لا تسأل يا سيدي عن ألم واحتراقي फ़कदिलत का मशत ठीक है इस तरह इबारत पहले पढ़ा करें कम से कम चार से पांच बार इबारत पढ़ा करें उसके बाद ही आप तर्जुमा सुना करें ठीक है तभी आपको फ़ायदा होगा गया इन शम सिर तन जब में हो गया आटा की बोलते हैं आटे को हर बारीक चीज़ को भी क्या बोलते हैं अरबी में दकीक ही बोलते हैं बहुत दकीक है समझ रहे हो तो आटा भी चूंकि बारीक होता है बग़ैर गोंदा हुआ बग़ैर गोंदे हुए आटे को बोलते हैं धकेक तो जब मैं हो गया आटा तरकीब कैसे होगी सिर्तिकन की क्योंकि सारा जो है वो किसमें से है अफ़ाल नाकसम में से फैल नाक़ है मैंने बताया हुआ है कि अफ़ाल नाकिसम में जो ज़मीर होती है वो क्या बनती हैं वो फाइल नहीं बनती हैं बल्कि वो उनका इसम बनती है तो सिर्त में ताज़ ज़मीर है वह सारा का इसम धकीकन जो है वह सारा की क्या हो गई ख़बर हो गई मनसूब है देखिए तो जब मैं आटा हो गया आटा किस तरह हो गया था चक्की में पीछे जो है पीछे वाले सबक से पता चला कि चक्की में मैं आटा बन गया था तो मुझे लिया अखजनी लिया, लिया ख़ब्बाज़ू नान बाई ने ख़ब्बाज़ बोलते नान बनाने वाला नान बाई रोटी बनाने वाला खब्बाज फा का वजन है यानी खूब रोटी बनाने वाला ठीक है फ का वजन समझ रहे हो तो मुझे लिया नान भाई ने वह वजा अनि फी में जन में बोलते हैं आजाना का मतलब होता है आटा गूंदना आजाना तो तुन ये इसमें आला हुआ मेजना मतलब आटा गूंदने का औजार आटा गूंदने का टूल उसको क्या बोलते हैं कोंडा बोलते हैं कोंडा पतीला वगैरह जो होता है आटा गूंदने का उसको बोलते हैं तो उसने मुझे रखा वजा उसने मुझे रखा एक कोंडे में है ना एक बर्तन में वमर रनी गम का मतलब होता है ढांपना कवर करना किसी चीज से किसी चीज को कवर करना वमर रनी और उसने मुझे कवर कर दिया बिल्मा इन नकी साफ पानी से नकी बोलते हैं साफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साफ एकदम साफ शफाफ साफ शफाफ पानी से मुझे क्या करते हैं ढक दिया, दिया। वनी गमीजू दबाना गूंदने को बोलते हैं वक़म जनी और उसने मुझे गूंधा हतासर तो अजीन यहाँ तक के मैं क्या हो गया अजीन बोलते गूंधे हुए आटे को माजून के मायने में फायल उनका वजन मफरूल के मायने में आता है और फायल के मायने में आता है जैसे कतील उन, मकतूल के मायने में आ रहा है है ना तो गूंधे हुए आटे को अजीन बोलते हैं और बग़ैर गूंधे हुए आटे को क्या बोलते हैं दकीक बोलते हैं ऊपर आया है यहाँ तक कि मैं बन गया क्या बन गया मैं गोंदा हुआ आटा हो गया यहाँ पर भी सारा का इसम तापेश जमीर जो है जमीर मरफू मुतसिल है आटा हो गया मैं फसना मिन्नी फसना तो उसने बनाया किसने बनाया नान बनाने वाले ने बनाया मिन्नी मुझसे क्या बनाया कुरतन कुरा किसको बोलते हैं कुरा कुरा बोलते हर गोल चीज़ को कोई भी गोल चीज हो उसको क्या बोलते हैं गुरा जो है कुरा पेड़ा जो है आटे का जो होता है जिसको उसको पेड़ा बोलते हैं बोल बोल को भी क्या बोलते हैं कुरा बोलते हैं क्यों क्योंकि वो गोल होती है तो हर गोल चीज़ को आप कुरा कह सकते हैं कि तो उसने मुझसे क्या बनाई उससे उसने मुझसे पेड़ा बनाया होना मुसीबा यहाँ पर बड़ी मुसीबत आई ठीक है यहाँ पर मुसीबत आई क्या मुसीबत आई फ़कत दहादी दिन मुहमान दहा यद फैलाने के मायने में आता है फ़कत दहा तो उसने फैलाया नी मुझे किस चीज़ पर फैलाया अः हदीद महमन मोहम्मन मौसूफ सिफत है समझ रहे हो मोहम्मयिन नहीं हो सकता ये समझ रहे हो ये मोहम्मयिन नहीं हो सकता अमहमां आखिर में जब वो होता है यानी इसमें गोया मकसूर होता है खड़ा ज़बर होता है खड़ा ज़बर तो उसको जब बग़ैरफ्लाम के लिखते हैं तो तनवीन के साथ लिखते हैं जैसे अलफ़ा अलफ़ नौजवान तो अलफ़त को अगर आप तनवीन के साथ कहोगे तो अल्फ्लाम हटाओगे तो फताह नहीं कहोगे खाली बल्कि फ़तन हो जाएगा फ़तन और उसका इराब तीनों हालतों में सेम ही रहेगा जा आ फतान तो फ़तन मरर तो बी फता ऐसे ही अलमुह आखिर में क्या है खड़ा जबर है अलफलाम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा महम्मन हो जाएगा तो तीनों हालतों में सेम ही रहेगा तो हदीदिन मोहम्मन तो महमन हालत जर्म है हदीदिन की सिफत है ना गर्म लोहा हमा का मतलब होता है गर्म करना हम हम्मी बाव तफी से गर्म करना मोहम्मन इसमें मफूल हो गया जिसको गर्म कर दिया गया हो तो हदीदिन मोहम्मन गर्म लोहा गर्म लोहे पर उसने मुझे फैलाया तो स समा सूसम्मी नाम रखना बाव तफील से कि तुम उसका नाम रखते हो क्या नाम रखते हो अताबक तवा कि जिसको तुम तवा बोलते हो तो सम्मायूसमी का मतलब बोलना भी हो जाएगा कि जिसको तुम तवा बोलते हो लातस अलिया सैदान वह तिराकी तो मत पूछो जनाब या सईदी जनाब मत पूछो मेरी तकलीफ़ के बारे में अलम तकलीफ़ वह तराकी अहतराक जलने को बोलते हैं, वह तराकी मेरी जलन के बारे में समझ रहे हो मैं कितना जला मेरी जलन के बारे में मत पूछो फ़दिल तवई तो वन कमशतू अलतवा बब इफ्त्याल से मुड़ जाना फ़कदिल तवई तू तो मैं मुड़ गया था है ना वन कमशतु इनकमशा बाब इनफ्याल से सुखड़ जाना तो मैं एकदम मुड़ गया और सुकड़ गया जैसे तवे पे डाला मैं एकदम सुकड़ गया ओला कि नब्बाजमर हम नहीं लेकिन नान भाई ने मुझ पर रहम नहीं खाया रहीम हम रहम खाना यर हम फैले मुजार मजजूम है लम की वजह से वो लम यी रक्का नरम पड़ जाना लम यरिक वो नरम नहीं पड़ा यरिक रि भी क्या है फैले मुजारे मजजूम है मजजूम कैसे है आपको दिख रहा होगा काफ़ पर तो ज़बर है भई लम यरिक का में तजदीद है तजदीद वाले हरफ को अगर साकििन करना हो तो उस पर क्या लगाते हैं ज़बर लगाते हैं ये हमारा रूल है तजदीद वाले हरफ को अगर साकििन करना हो लम लग गया उससे पहले या फैले अमर बनाना हो तो क्या होता है तो उस पर ज़बर लगा दोगे तो ज़बर इस बात की अलामत होती है कि यहाँ पर क्या है सुकून है जैसे एहमर्रा एह मर्रा का मतलब होता है सुरख हो जाना तो फैल अमर अगर मैं बनाऊँगा तो एह मर्रा यही फैले अमर हो जाएगा यहाँ पर अब जो राह पर जबर है वो गोया ये तशदी ये ये क्या है सुकून है ला तहमर तू सुर्ख मत हो तो लम है ना वो नर्म नहीं पड़े जैसे मद्द यद्दू है मद्द का मतलब होता है फैलाना या मुद्दू फैलाना तो फैले अमर क्या बनेगा बताओ यमुद्दू से फैले अमर भाई तमद्दू ये हाजिर का का बनेगा तमद्दू अब मीम पर पेश है तो जाहिर सी बात ये अलामत मुजारा तो ख़त्म हो जाएगी मीम पर पेश है तो अलफ़ की जरूरत नहीं है आखिर को साकिन करना होता है अब साकिन कैसे करें तशदीद है तो पेश हटा के हम जबर लगा देंगे मुद्दा तू फेला दुल्ला दुल्ला दुल्लु से दुल्ला मतलब तू बता नहीं दुल्ला नहीं मुझे बताओ तो ये रोल है तशदीद वाले अरफ़ को साकिन करना हो तो ज़बर लगाते हैं तो लम्बरी का फेले मुजारे मजजूम है समझ रहे मनसूब नहीं है ली वो मेरे लिए नर्म नहीं पड़ा हती कं तरीका कनी यहाँ तक कि मैं क्या बन गया मैं चपाती बन गया रिकाक़ बोलते हैं चपाती को यहाँ तक कि मैं चपाती हो गया बिल्कुल बारीक रिकाक़ भी दकीक रकीक दकीक और रकीक एक ही मायने में आते बहुत बारीक चीज़ के लिए तो रिकाक़ चपाती के मायने में आ गया ठीक है ये बाकी इंशाल्लाह अगले अगली वीडियो में जो बच गया है इसके साथ कुछ सवाल भी है इस सबक़ के वो भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में रहमतुल्लाहि व वर्क